अल्लामक मैं इस्तकबाल करता हूँ डॉक्टर ज़ाकिर नायक का और डॉक्टर नायक के तमाम मेंबर्स का हमारे चीफ गेस्ट डीसी पांडे साहब का बड़ी मसरत हो रही है डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जनाब इकबाल साहब से दरियाफ़त करूँगा कि वे तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर ज़ाकिर नायक का तारफ़ आपके सामने पेश करें जनाब इकबाल अहमद साहेब बसमिल्लर अल्लाम आलकमल वर्का सदर, आज के हमारे मेहमान जनाब पांडे साहब शहर काज़ी सैद साबिर साहब और हमारे खसूस मेहमान और मकर जनाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब मौजूद ख़वातीन और मौजूद हजरात ये हम सब के लिए आज खुशी का मौका है कि अल्लाह इज़्ज़त ने आगरा शहर को जो कि इंटरनेशनल माना जाता है आज उसी मुनासबत से एक बैन शख्सियत आज हमारे ये दरमियान में मौजूद है जिसको अब तक लोग तकरीबन टीवी के जरिए देखते रहे और सुनते रहे और उससे मुस्तफ़ होते रहे आज हमें अल्लाह ने ये मौका दिया है कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं मैं मुख्तसर तौर पर डॉक्टर साहब का तारफ़ कराऊँगा हालाँकि डॉक्टर साहब की शख्सियत किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है डॉक्टर जागिर नायक इस्लामी रिसर्च फाउंडेशन के बानी और सदर हैं और साथ ही इस्लाम और दगर मजहब के ताबली मताले के लिए आलमी पैमाने पर तरक्की याफ्ता इशारे की शक्ल में पहचाने जाते हैं डॉक्टर साहब की पैदाइश 18 अक्टूबर उन्नीस को मुंबई में हुई मुंबई यूनिवर्सिटी से मेडिकल ग्रेजुएट यानी एम किया डॉक्टर जाकिर कुरान और दूसरी मजहबी किताबों के हिस्सों की लफ्ज़ ब लफ्ज़ वजाहत करने की बेमिसाल अहलियत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने इस्लाम की सही तस्वीर पेश की वजाहत और इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ दूर करने के लिए जो खिदमत अंजाम दी हैं उसकी दुनिया भर में तारीफ की जा रही है पेशे से एक डॉक्टर होते हुए भी डॉक्टर जागिर ने दुनिया भर के लोगों को और खसूस अंग्रेज़ी ज़बान के सामीन तक इस्लाम का सही पैगाम पहुँचाने के लिए अपना हल्का यानी मेडिकल लाइन को खैरबाद कह दिया और इसी मकसद के लिए खुद को वक् कर दिया सिर्फ अड़तीस साल की उम्र में डॉक्टर जागिर नायक इस्लामी तलीमत की तशरी और इस्लाम के बारे में फैली हुई गलत फहमियों को दूर करने का काम बड़े फहीम और बसीरत मदल और साइंटिफिक अंदाज में करते हैं गैर मुस्लिमों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाना ही इनकी सबसे बड़ी खसूसियत और कामयाबी है हिंदुस्तान में लातादाद आम जलसों के अलावा डॉक्टर जाकिर नायक ने गुजा तीन सालों में अमरीका कनाडा बरतानिया सऊदी अरब यूएई, कोत कतर बहरीन मलेशिया सिंगापुर हांगकॉन्ग थाईलैंड आस्ट्रेलिया और दीगर बहुत से मुल्कों में 600 सौ से ज़ायद आम जल्सों को खताब किया है इनमें से बहुत सी तकरीरें और वीडियो कैसीटों में दस्तियाब हैं डॉक्टर जाकििर नायक अमरीका मलेशिया जनूबी अफ्रीका और हिंदुस्तान में मुख्तलिफी टी वी और रेडियो प्रोग्राम में हिस्सा बराबर लेते रहते हैं इस्लाम और इंसानी हकूक़ इस्लाम में औरत का मकाम और हकूक़ इस्लाम और साइंस इस्लाम और सेकुलरज्म वगैरह मौजूद पर दुनिया भर में प्रेस और टी वी रिपोर्टर इनसे इंटरव्यू भी लेते रहते हैं और इस सिलसिले में मुख्तलिफ मुख्तलिफ़ुम के सवाल भी पूछते रहते हैं डॉक्टर जाकिर का उन गलत फहमियों को दूर करने और इस्लाम के मुतल जानिबदाराना रवैयों का दलीलों और हवालों के साथ माकूल जवाब देने की उनके पुख्ता इरादे ने ही इस्लाम के बहुत से मुखालिफों को मतमिन किया है लिहाजा मैं अपनी तरफ से आगरा शहर के तमाम शहरियों की तरफ से आप सब की तरफ से यहाँ इस हॉल में आगरा में डॉक्टर जाकिर नायक का इस्तकबाल करता हूँ वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकबाल साहब मैं डॉक्टर जाकिर नायक से बहुत अदब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वह तशीफ़ लाएँ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني यफ़ कहू कौली मोहतरम डी आई जी जनाब डी सी पांडे साहब जनाब इकबाल साहब और मंच पे बैठे हुए गेस्ट मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों भाई और बहनों मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ इस्लामिक तरीके से असलाकुम वरह वक् अल्लाह सुबहान व ताली की रहमत और बरकत आप सब पे हो लोग ये जानते होंगे कि जब भी मैं तकरीर करता हूँ अक्सर सिर्फ अंग्रेज़ी में ही करता हूँ चंद मौके हैं जब ऑर्गेनाइज़र्स मुझसे इतरार करते कि उर्दू या हिंदी में तकरीर करो मैं करता हूँ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ क्या अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज़ी ज़बान पे मुझे महारत है और उर्दू या हिंदी पे महारत नहीं है तो आज की तकरीर क्योंकि मैं उर्दू या हिंदी में करने वाला हूँ तो इसके लिए माजरत चाहता हूँ काफ़ी ग़लतियाँ होने वाली है आम तौर पर जब मैं तकरीर करता हूँ अंग्रेज़ी में भी जितनी ग़लतियाँ हैं शैतान और मुझसे है हक़ की बात अल्लाह सुबहान तारा की तरफ से है लेकिन आज क्योंकि खसूसा मुझे कहा गया है कि हिंदी या उर्दू में तकरीर करूं, इसीलिए मैं तकरीर के शुरुआत में आपसे माजरत चाहता हूँ मेरी उर्दू बम्बई की है और इस प्रोग्राम के पहले मैं डी आई जी जनाब डी सी पांडे साहब से बात कर रहा था और मुझे पता लगा कि उनकी हिंदी शुद्ध है और उर्दू फसी है मुझे लोगों ने कहा तो और मुझे डर लगा है शायद अगर वो मुझसे उर्दू में नहीं बात करते तो शायद इतना डर नहीं लगता उनकी अंग्रेज़ी भी माशाल्लाह अच्छी है क्योंकि अंग्रेज़ी पे मुझे महारत है अंग्रेज़ी में बात करने को मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइज़र्स ने मुझसे इशरार किया कि सिर्फ उर्दू में बात करना चाहिए इसलिए मैं कोशिश करूँगा इन और गलतियाँ जो होंगी उसके लिए मजर चाहता हूँ आज की तकरीर का मौजू आ भाईचारा हम जब देखते हैं कि कई किस्म के भाईचारे हैं मिसाल के तौर पर भाईचारा खून के रिश्ते के, के, के बुनियाद पे, भाईचारा इलाके के बुनियाद पे, भाईचारा कबीले के बुनियाद पे, भाईचारा रंग के बुनियाद पे, भाईचारा जात के बुनियाद पे, लेकिन ये सारे भाईचारे महदूद है वो आलमी नहीं है यूनिवर्सल नहीं है सारे के सारे महदूद है इस्लाम आलमी भाईचारे में यकीन रखता है और इस्लाम ये नहीं मानता कि इंसान ऊंचे या नीचे दर्जे में पैदा किया गया जो कास्ट सिस्टम और डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग हैं उसमें इंसान नहीं पैदा किया गया इस्लाम मानता है आलमी भाईचारे में और